हे गाइस, क्या हाल है। और जैसे कि आपको बताइए कि iOS 17 जो है बेसिकली वो अनाउंस हो चुका है, जो कि एप्पल ने अनाउंस WWDC 2023 में ही कर दिया है। इस iOS 17 में कौन कौन से फीचर्स आने वाले बेसिकली वो जानेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बेसिकली। और जैसे कि आपको बताए iOS 17 का जो रिलीज डेट यानी कि रिलीज होगा बेसिकली iOS 17 वो सेप्टेम्बर में जाके होगा। जो iPhone 15 जैसे कि सीरीज लॉन्च होगी बेसिकली उस समय ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा सभी डिवाइसेज में। और उससे पहले आपको कोई भी बीटा वर्जन के लिए अपडेट नहीं करना, क्योंकि उसमें बग्स वगैरह आ सकते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट आ रही थी कि जैसे कि डेवलपर बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद जो हमें किसी का कॉल अगर आता है तो उसमें यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा था बेसिकली किस पर्सन का कॉल आ रहा है बेसिकली। तो वही इस तरह के कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और वही जैसे पहले मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और वही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए प्लीज़। और वही फर्स्ट यहाँ पे फीचर की बात करें iOS 17 में कौन सा फीचर्स आएगा बेसिकली, वो है सीरी के बारे में। जो वही सीरी क्या है ना कि फर्स्टली हम क्या बोलते थे कि हे सीरी जैसे ही बोलते थे उस समय यहाँ पे एक्टिव हो जाता था असिस्टेंट बेसिकली। जो है iOS 17 में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सीरी बोलने पर ही यहाँ पे असिस्टेंट और एक्टिव हो जाएगा। फोन यहाँ पे एप्लीकेशन में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए जाने वाले, जैसे कि यहाँ पे की कस्टमाइज कॉन्टैक्ट पोस्टर बेसिकली। ये क्या होने वाला है फीचर बेसिकली कि कस्टमाइज कॉन्टैक्ट पोस्टर यानी कि जैसे कि पिछले साल iOS 17 में लॉक स्क्रीन में एक 3D डेप्थ के साथ वॉलपेपर सेट कर सकते थे बेसिकली लॉक स्क्रीन पर। तो अगर 3D डेप्थ एंड यहाँ पे इमोजी भी बनाकर यहाँ पे रख सकते हैं बेसिकली किसी के कॉन्टैक्ट पर। और जैसे कॉल आता है तो ये पोस्टर दिखेगा, या फिर आप अगर किसी पर्सन का अगर कॉन्टैक्ट ओपन करते हो तो उस समय भी ये जो है उस कॉन्टैक्ट में भी फुल पोस्टर दिख जाएगा बेसिकली। और ये 3D डेप्थ के साथ आने वाला है। तो अगला जो फीचर है लाइव वॉइस मेल बेसिकली। ये फीचर जो है बेसिकली जैसे कि आपने किसी को अपने फ्रेंड को कॉल किया है, वो अगर फोन कॉल उठा नहीं रहा किसी काम में बिजी है बेसिकली और आप बताना चाहते हो तो क्या काम है क्या वगैरह, तो उसको डायरेक्टली आप अगर उसे ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म पर भेज सकते हो बेसिकली। आप सिर्फ और सिर्फ बोलना है कि क्या काम है क्या वगैरह, तो उसके पास है ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे मदद से पहुँच जाएगा वो। और गाइस अगला जो फीचर है इसलिए वो फेस टाइम से रिलेटेड है। तो गाइस फेस टाइम आप अगर वीडियो कॉल करते हो आईफोन में तो उसे फेस टाइम बोला जाता है। तो आप अगर किसी को वीडियो कॉल करते हो तो वो कॉल पिकअप नहीं करता, उसको मैसेज देना है या फिर क्या बोलना चाहती है तो वो मैसेज के तौर पर रख सकते हो इसलिए। और वो जैसे ही मोबाइल चेक करेगा तो उसके पास मैसेज चले जाएगा कि क्या कहना चाहते थे आप वीडियो फेस टाइम पर बेसिकली। और गाइस अगला जो है मैसेज ऐप में कुछ अपडेट्स आ चुके हैं यानी कि फीचर्स ऐड कर दिए गए। सॉरी, कुछ फीचर्स जो है बेसिकली टेलीग्राम से उठाया है, कोई कुछ फीचर्स व्हाट्सएप से उठाया हुआ है बेसिकली। इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड होने वाले हैं, सर्च फिल्टर से बेसिकली वो फिल्टर के तौर पर यहाँ पे कुछ भी फिल्टर करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। स्वाइप टू रिप्लाई एक फीचर ऐड ऑन हो चुका है, क्योंकि इस फीचर से हम जो कि पहले व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते थे या फिर रिप्लाई कर सकते थे, इसी को ही यहाँ पे मैसेज ऐप इस फीचर को ऐड ऑन कर दिया गया है। इसके साथ बहुत सारे फीचर आ चुके मैसेज ऐप में, जैसे कि और जैसे कि आपको किसी की मैसेज हिस्ट्री पढ़नी हो तो क्या है ना कि डायरेक्टली टॉप राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट हिस्ट्री पढ़ पाओगे। और एक फीचर ऐड होने वाला है इस बार जो है स्टिकर्स से रिलेटेड। जैसे साल iOS 17 में एक फीचर ऐड ऑन हुआ था कि जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर एंड PNG मेकर भी, और उसी PNG फाइल को यहाँ पे स्टिकर में ऐड ऑन कर सकते हो। और सिर्फ फोटो से ही यहाँ पे PNG या फिर स्टिकर नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ पे वीडियो से भी स्टिकर निकाल सकते हैं। एयर ड्रॉप में कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए इस बार जो है बेसिकली, वो है नेम ड्रॉप। नेम ड्रॉप यानी कि आपके पास अगर आईफोन है और आपके फ्रेंड के पास भी आप अगर आईफोन है और उसको कुछ फाइल सेंड करनी हो या फिर कुछ बड़ी फाइल सेंड करनी हो बेसिकली, और सिर्फ आपका आईफोन उसके आईफोन से टच कर लेना है, उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको एलो कर देना है। और कुछ सेंड करना हो तो यहाँ पे एलो करते ही सेंड हो जाएगा बेसिकली। आपका कॉन्टैक्ट स्पेशली सेंड कर सकते हो। तो वही जो ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन टू आईफोन नहीं होगा बेसिकली, ये आईफोन टू यानी कि एप्पल वॉच भी होगा। और एयर ड्रॉप में एक फीचर आने वाला है कि एयर ड्रॉप वाया इंटरनेट, यानी कि आप अगर किसी पर्सन को बड़ी फाइल सेंड कर रहे हो और जैसे कि 9-10 GB की बेसिकली और आपको कुछ काम है, तो गाइस उस पर्सन को अगले पर्सन को क्या क्या बोल देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका वाईफाई चालू कर लो या फिर इंटरनेट पे शिफ्ट कर लो, ये ऑटोमेटिकली आपको सेंड हो जाएगा। ये जो फाइल सेंड हो रही है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे वो फाइल सेंड हो जाएगी। इसके साथ इस एयर ड्रॉप में ही एक शेयर प्ले का जो फीचर है वो आने वाला है, जिसे ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है बेसिकली, उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड बेसिकली किसी दूसरे प्लेस पर है और आपको एक ही टाइम पर एक मूवी देखनी है स्पेशली, तो गाइज़ उसको इंजॉय करने के लिए एक टाइम पर ही प्ले करनी है, तो गाइज़ इस
शेयर प्ले को यूज़ कर सकते हो, मूवी देख सकते हो या फिर म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो वो है कीबोर्ड में कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। जो iOS 17 में कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए कीबोर्ड में, ज़्यादातर कीबोर्ड में कुछ ऐड ऑन नहीं किया जाता, बट इस बार जो है बेसिकली ऐटो करेक्ट एंड जो है बेसिकली डिटेक्शन, ये फीचर आने वाले। ऐटो करेक्ट तो आपको पता ही होगा कि ऐटो करेक्ट किसे बोला जाता है, तो उसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और जो डिटेक्शन है उसे क्या बोला जाता है, यानी कि जैसे कि आप अगर किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि अगली लाइन क्या होने वाली बेसिकली, तो उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे पूरा लाइन ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा वो बेसिकली डिटेक्शन। ईमेल लिखते हो या फिर किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज करते हो तो गाइस ये बहुत ही काम में आ सकता है ये। और गाइस लास्ट एंड बेस्ट फीचर जो होने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये स्टैंड बाय मोड एक फीचर आने वाला है। और स्टैंड बाय मोड फीचर जो है बेसिकली किस डिवाइसेस में आ सकता है, वो जो है बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मोबाइल्स में। और गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो मोबाइल्स है अभी तक के आईफोन सीरीज में, तो गाइस वो है आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। बेसिकली ये दो ही डिवाइसेस है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर चलने वाले, और आईफोन 15 सीरीज में दो और ऐड हो जाएंगे जिनको ऑन रखते हो बेसिकली। तो गाइस आपका अगर लैंडस्केप में कहीं पे मोबाइल रखते हो उस ट्राइपॉड पर या फिर कहीं टेबल पर गाइस, तो गाइस इसमें बड़े बड़े फ्रंट्स में यहाँ पे इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा। विजेट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो इस स्टैंड बाय मोड में, जैसे कि लो लाइट डिटेक्शन भी पता चले जाए। आप अगर लाइट बंद कर देते हो अपने रूम का या फिर लाइट चली जाती है तो लो लाइट डिटेक्शन कर लेगा आपका डिवाइस बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये फीचर्स आपको पसंद आई ही होगी और ये iOS 17 में ऐड ऑन होने वाले बेसिकली बहुत जल्दी ही। और गाइस जैसे कि मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा।